हम एक एक घर से जो है वो ही ये आग्रह कर रहे हैं कि सत्य ही जीवन का आधार है और सत्य ही मानव बदा है। दलगत भाव से, जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ के माँ नर्मदा का द्वार है। ये माँ नर्मदा ने हर एक जाति पंथ संप्रदाय को आश्रय दिया है। दलगत भाव से ऊपर उठकर जो है माँ नर्मदा की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हम एक दूसरे से मिल जाए। अरे गंदे नाले मिल रहे हैं और गंदे नाले मिलकर वो दूसरे घाट पर जो है वो हम परिवार भी जो है वो आचमन करता है। नर्मदा से गंदे नाले मिल गए लेकिन मिलकर हम माँ से ना मिल पाए तो इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं होगी कि गंदे नाले मिलकर मलमूत्र भी मिलकर वो नर्मदा का जल हो गया लेकिन हम एक दूसरे से मिल ना पाए। हमारे से तो अच्छे वो गंदे नाले हैं जो माँ से मिल जाते हैं लेकिन ये घर और ये गांव कैसे हो गए जो एक दूसरे से मिल ना पाए। कैसी रागिश्ता, कैसा मैं मेरा है और कैसी ये विषयों की गंदगी है जो हमें ही हमारे जीवन पर संकट ला रही है। अरे नाले मिल गए और नाले भी पूजित हो गए तो ये गांव नगर और समाज क्यों नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन समाज मिल गया, गांव मिल गया, उस दिन से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जब तक गांव नगर समाज खड़ा नहीं होता और मिलता नहीं है तब तक ये गंदे नाले मिलते रहेंगे। ये भी तुम अकाट्य ब्रह्म को इसको जान लेना। जब तक तुम एक नहीं होगे, जब तक तुम एक दूसरे से नहीं मिलोगे तब तक ये गंदे नाले मिलते रहेंगे। गंदे नालों को बंद करना है तो हमें एक दूसरे से मिलना होगा और जिस दिन तुम मिल जाओगे उस दिन वो गंदे नाले वो बंद हो जाएंगे। जिस दिन हम मिले इस पथ पर और इस पथ के लिए जीवन है और जीवन के कुछ क्षण और पल हमने जब लगा दिए तो हम इस तट और पथ को और माँ के आंचल को बचा ले जाएंगे नहीं तो आने वाले समय में जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी सत्य है, यही सत्य का आग्रह है। नर्मदा मैया की